छत्तीसगढ़ के झगराहा फूल बहुत ही प्रसिद्ध है। झगराहा औषधीय पौधे की जानकारी को लेकर उपस्थित हूँ मैं। इसे अंग्रेजी में ग्लोरियोसा लिली, संस्कृत में अग्निमुखी, गर्भघातनी तथा हिंदी में अग्निशिखा या विसल्य के नाम से जाने जाते हैं। नमस्ते जी, आयुर्वेद ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक दुर्लभ औषधि जिसको कलिहारी या अग्निशिखा या फिर इसी को विसल्या के नाम से भी जाने जाते हैं, हमारे रामायण काल में भी इस दुर्लभ औषधि का उल्लेख देखने को मिलता है। जब मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगाया गया तो उस दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी ने सुसेन वैद्य को लाने के लिए गया और सुसेन वैद्य ने उस मूर्छित लक्ष्मण को संजीवनी स्वरूप, तीन औषधि ही उसमें सम्मिलित था जिसमें से एक तो अग्निशिखा, इसी को विसल्या बोलते हैं, तो विसल्या के द्वारा इसके कंद होते हैं, उस कंद का लेप लगा करके उस बाण को बाहर निकालने में उसका प्रयोग किया था। ये जैसे हमारे पैरों में कील या फिर कांटे या कांच वगैरह चुभ जाते हैं तो बहुत ही अंदर तक चले जाते हैं, तो उसको निकालने के लिए इसके कंद का प्रयोग किया जाता है और इसके कंद का वहाँ पर लेप करने से वो तुरंत बाहर हो जाते हैं। तो रामायण काल में भी इसका उल्लेख देखने को मिला था। देखिए, ये अग्नि की तरह, अंगारे की तरह इसमें पुष्प लगा हुआ है। ये थोड़ा सा पीला कलर में भी दिखाई दे रहा है और ये अग्नि के जैसा, तो ये आग के अंगारा को जैसे ये फिट कर दी है, देखो ऐसा दिखाई दे रहा है, किसी ने आकर आग के अंगारे को यहाँ पर रख दिया है। तो हम इसके पत्ती को देखेंगे, पत्ती इस प्रकार से इसमें होते हैं और पत्ती ये इस प्रकार से रहते हैं और साथ ही साथ इसमें पुष्प की भी पहचान कर सकते हैं। अभी इसमें ये खिला नहीं हुआ है, ये खिले नहीं हुए हैं अभी, ये खिलेंगे कुछ एक दो दिन में खिल जाएगा। तो अभी मैं जिस स्थान पे हूँ उस स्थान पे कम से कम 5 से 7 पौधा इसका है यहाँ पर। तो इसी अग्निशिखा के कंद का तेल भी तैयार किया जाता है जो कि अत्यधिक दर्द वाले स्थान में लगाने से दर्द से राहत मिलती है तथा सूजन भी दूर होते हैं। आयुर्वेद में यह अत्यंत विषैले के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग सावधानी पूर्वक किया जाता है।